पर बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान सामने आया। जनता से अपील करते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम ना बनाएं। गरीबी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है। अर्धसैनिक बलों में भी पीएम अग्निवीर योजना लाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहां पर यह बड़ा बयान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी का सामने आया है। यहां पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ना चुनने की अपील यहां पर की है। गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है। और साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर के भी कहा कि अर्धसैनिक बलों में भी पीएम अग्निवीर योजना लाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से अब इससे सियासी जो वार पलटवार है उसका दौर भी शुरू हो जाएगा। और ओवैसी के इस बयान से लगातार अब कई जो सियासी यहां पर वार है वो देखने को मिल सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाएं। आज से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की हैं? किसके गले हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं,